नमस्कार फ्रेंड्स, सातवीं से दसवीं जेपीएससी का फाइनल परिणाम आए हुए लगभग 17 से 18 दिन हो गए, लेकिन अभी तक आयोग के द्वारा कट ऑफ नहीं जारी किया गया है और काफ़ी लोग परेशान हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर कट ऑफ कितना गया है। अगर कट ऑफ सिंगल कट ऑफ बनाया गया है या कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ बनाया गया है तो उसे आयोग को प्रकाशित कर देना चाहिए, इससे पारदर्शिता रहेगी, क्योंकि 17-18 दिन काफ़ी समय बीत चुका है और अभी तक कट ऑफ जारी नहीं करना कहीं ना कहीं ये जेपीएससी पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होता है कि अनियमितता बरती गई है, तभी आयोग फाइनल रिजल्ट आने के बावजूद भी कट ऑफ जारी नहीं कर रही है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सरकार आयोग अभी कट ऑफ जारी करने के फेवर में नहीं है और आप मान के चलिए अभी कट ऑफ जारी करने में हमको लगता है और समय लगेगा। जब सरकार आयोग के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा तब हो सकता है कि आयोग कट ऑफ जारी करे, अदरवाइज कट ऑफ भी मुझे लगता है कि ये जारी नहीं करना चाहती है। तो इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं अनियमितता अवश्य बढ़ती गई है, तभी कट ऑफ जारी नहीं किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अब देखिए आयोग कब कट ऑफ जारी करती है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आयोग की मंशा साफ नहीं है कट ऑफ जारी करने का, लेकिन जब ज़्यादा इनके ऊपर दबाव प्रेशर बनाया जाएगा तभी कट ऑफ जारी किया जाएगा। आप जान रहे हैं कि क्या स्थितियां सातवीं से दसवीं जेपीएससी में हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस विषय पे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आप मान के चलें, मैं आशा करता हूँ कि आयोग अविलंब कट ऑफ जारी करे और एक पारदर्शिता बनी रहे, आयोग पे जो निष्ठा है वो लोगों का सत्य निष्ठा एक बना रहे, क्योंकि अगर आयोग कट ऑफ भी नहीं बताती है तो इससे कहीं ना कहीं घोर अनियमितता बढ़ती गई होगी, तभी आयोग जारी नहीं कर रही है, ये स्पष्ट होता है, इसे कोई भी कह सकता है। तो आप समझ लें कि आयोग कब कट ऑफ जारी करेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब दबाव बनाया जाएगा तभी कट ऑफ हो सकता है आयोग जारी करे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।